एगो गीत तैयारी कैले बानी। अक्सर जब छठ आवेला तो हर ट्रैक्टर हर गाड़ी में एगो गीत जब बाजेला तो बुझाला कि अब छठ के आगमन हो गए। कि का चाहि बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, लेकिन पति पत्नी के बाद छठ में मरबो रे सुगवा धनुक से। लेकिन हम एगो तैयारी के लिए बनी 5 मिनट के कहानी कि छठ आखिर मनावल कहे जाए। छठ के गीत तो केहू गा दीजिए, आई बस सबको जानत हुई, लेकिन हमार कहानी में कि छठ मनाया क्यों जाता है तो यह हम सुनाओ तनी कम समय में। शंभू मुनि जी के पुत्र प्रिय व्रत जी जेकरा दिन भर रात भर खाली भजन कीर्तन में मने लग लग ब्रह्मा जी भी आके परवी कनी के बबुआ बियाह कर लो तो जाय को गीत बा कि ओकर लागल रे मनवा अरे रहे ओ करतार में आ सके दरकार में एक दिन कहले ब्रह्मा आई बबुआ लौना ब्याह रचाई। प्रिय व्रत जी के इच्छा नहीं थे बाकी ब्रह्मा जी आके कहते कि बबुआ अब शादी कर लो तो एक दिन कहले ब्रह्मा आई बबुआ लौना ब्याह रचाई। कहले कि ना नहीं प्रभु हमें शादी नहीं करना। तो कहले क्यों तो हमारा बस भजन कीर्तन में मन लगा रहे दी। तो कहले अरे पागल तो सुख से बीती समैया तो सुख से बीती समैया सकल संग परिवार में आ सके दरकार में के शादी हो गई। पत्नी भी आ गई घर में। पत्नी जब आई कुछ दिन के बाद पत्नी के चाहे हर लड़की के इच्छा होला कि वो पुत्र के प्राप्ति हो। राजा पूछल करे पगली पुत्र काहे खाती इतना जल्दी तो कह तरीका कि एगो अरे होई ते बबुआ गोदिया में खेलई ती राजा जी होई तब बबुआ गोदिया में लईती कह तरी के देखी हमरा पुत्रे से चाही कि गांव भ के कम से कम लोगवा बाझिन तो ना कही कि बाझिन के नाम मिटई दी अजियारा हम देखी के जुड़ई दी। आ जब हमार बबुआ हो जई तो कि मुंह में अरे चुमा ले के मुनावा के अखेलई ती राजा ठीक बा। कुछ दिन बीती गई ले कुछ दिन बीती गई ले हथवा के लकरिया हो पियर रे भईली ना रानी के सुनावा जस शरीरिया। देखी केहू के लड़का ना हो के कतना दुख होला आ लड़का हो के मर जाए उससे बड़का दुख कुछ ना हो। पुत्र हो जाए तो खुशी होला पुत्र हो के मर जाए तो बड़ी दुख के बात होला। राजा प्रिय व्रत जी के लड़का तो भइल बाकी मरल पैदा भइल। राजा कहलन कि हम कैसन दिन देखत हैं। राजा अपना बबुआ के लेके श्मशान के तरफ गाजीपुर से आई गई। देखिए कहानी बिगड़ जी नीचे फोटो ले ले फिर भुला जी कहानी। राजा प्रिय व्रत जी अपना पुत्र के लेके श्मशान के तरफ जाता नहीं ओकरा के दफन करे खाती तो लेके मारा लका ललाना लेके मारा लका ललाना
राजा यशमसाना राजा के आंख में लोर बा ढोर ढोर पहला अरे नयना राजा जी जवाना भइले हो सही राजा अपना बबुआ के गाड़ल चहले आवाज आई कि राजा रुक जा ये तुम क्या कर रहे हो। रानी कहले कि देखो राजा मेरा नाम देवसेना है, प्यार से मुझे लोग खष्टी माता भी कहते हैं। तुम्हारा पुत्र जी जाएगा लेकिन तुम्हें काम करना पड़ेगा। कार्तिक मास में छठ के पूजा करी हो तहर पुत्र के हम जिया दे तनी उहे राजा तने खुश बड़े छठ के पूजा होता पहला बार जाके पूछा तरे कि ते के हो तो लड़की कहले कि राजा हम मालिक के बिटिया तो सुन हम बड़ा खुश बनी हमर लड़का मर गई रहे छठी माई की कृपा से जी गई भाई वो काम करी। राजा कहलन छोटी रे मोटी मालिन रे बिटिया राजा कहलन कि देख हमर बबुआ छठी माई के कृपा से जियल बा एगो काम करी फूला वाले ओई होए बिटिया और अधिया के हो देखे हमें कली मालिक हम दोनों बिटिया हैं तो तू हूँ वही हमार बबुआ जी हलवा छठी माई की कृपा से छोटी रे मोटी दोमिन रे बिटिया भुइयावा लोटे हो वही घड़ी से पूरे भारत में ना पूरे विश्व में छठ के परंपरा आज भी छठ के महान पर्व मनावल जाला। छोटी रे मोटी ग्वालिन रे बिटिया भुइयावा लोटे हो के एक बार प्रेम से बोली छठी मैया की
कहानी अच्छा लागल त तनी तलियो भजन के आशीर्वाद दे दी। और भाई एगो कृष्ण भजन ओकरा बाद बहन के गीत सुनब सब। त कृष्ण जी के प्रेम वाला सुना दी, बड़ी पुरानी गीत।